हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं आदि का थोड़ा कुछ सामान लेने मार्केट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है मंडे से, इसीलिए। और ये है बारीपदा का जगन्नाथ मंदिर, पुरी के बाद ये सेकंड में आता है, सेकंड पोजीशन में, मतलब बोल सकते हो। जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस है, यहाँ पे रथ यात्रा भी बहुत बड़ा मनाया जाता है। और हम जा रहे हैं आदि के लिए यूनिफॉर्म लेने, उसका स्कूल का नया यूनिफॉर्म एक यहाँ पे मिलता है, सारे स्कूल का यूनिफॉर्म एक जगह पे मिलता है, वहाँ पे जा रहे हैं हम। देखते हैं कि आदि का यूनिफॉर्म मिलता है कि नहीं, उसके साइज़ का। एक्चुअली आदि भी बहुत एक्साइटेड है और हम सब भी बहुत एक्साइटेड हैं उसके नए स्कूल को लेके, लेकिन पता है कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। तो आज जैसे ही मैंने उसको बोला कि उसका यूनिफॉर्म लेने जाना है, वो बहुत खुशी मतलब आया है साथ में, और उनको बोले हैं हम यूनिफॉर्म निकालने के लिए। उसको हम साथ में लेके आए हैं ताकि मतलब थोड़ा नाप ले सकें, ताकि अच्छे से उसको फिटिंग ड्रेस उसका अच्छा हो जाए। इसलिए उसका यूनिफॉर्म वहाँ से लेने के बाद उसका सूज़ हम देखे, लेकिन उसके साइज़ का सूज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमें दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। तो उसके बाद हम गए उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए, क्योंकि शाम भी हो रहा था इसलिए। मार्केट से आने के बाद एक्चुअली मैं कुछ काम में बिजी रह गई थी और अभी बैठी हूँ नीचे। कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मुझे करना है, वो है आदि का जो सारा बुक्स मैं उस दिन लाई थी दो दिन पहले, उसको अभी मुझे कवर करना है, क्योंकि मंडे से उसका क्लास स्टार्ट हो रहा है। और मार्केट से मैं लाई उसके लिए यूनिफॉर्म लाई, इसके अंदर है उसका यूनिफॉर्म स्कूल का, और ये उसके लिए एक स्कूल बैग लाई हूँ, ये स्कूल बैग, और मेरा टिफिन लाई हूँ छोटा सा। पता नहीं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि ये कैसे जाएगा नया स्कूल में। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और वो भी बहुत एक्साइटेड है, लेकिन क्या है कि जो उसका नया स्कूल है उसमें टाइमिंग थोड़ा, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि वो कैसे मैनेज करेगा। बट एनी हाउ कर लेगा, मुझे पता है। और अभी मैं थोड़ा सा उसका बुक्स कॉपी जो है वो कवर कर लूँ, क्योंकि मुझे और टाइम एक्चुअली नहीं मिलेगा। आज हो गया थर्सडे, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन बाकी है, मंडे से उसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे अभी थोड़ा टाइम मिला है इसको कवर करने का।
फाइनली अभी का मेरा जो काम है वो खत्म हुआ, मतलब पूरा सारा बुक्स कॉपी अभी तक मैंने कवर नहीं किया, थोड़ा ही मैंने किया है क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है उसमें और डिनर बनाने का टाइम भी हो गया है, तो बाकी का मैं कल करूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ डिनर, मैं आपको दिखाती हूँ बनाने वाली हूँ मैं, ये मैंने भिगो के रखा है तड़का बनाने के लिए, ये मैं बनाऊंगी और रोटी इसके साथ। अभी एक्चुअली मैं बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड को कि मैं बहुत थक गई हूँ और रात का खाना थोड़ा आप बना लो, लेकिन आप सब लोग सुनो कि उनका रिप्लाई क्या है। बने दो फिर होटल, कोरोना वायरस चलिए फैली जाए थी तो मैं होटल बोल रहे हैं, होटल से ले आते हैं खाना। वहाँ नीचे बैठ बैठ के जो कवर कर रही थी सारे बुक्स को, मेरे कमर में दर्द हो गया है, तो इसीलिए बोल रही हूँ अभी मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, लेकिन फिर भी बनाना पड़ेगा, क्या करें, वाइफ का तो काम ही यही है ना। क्या हुआ आदि? कुछ नहीं। ये देखो आदि का नया दांत, दिखाओ दिखाओ, ये देखो और एक दांत, अरे नीचे वाला नहीं ऊपर वाला दिखा, जो जो अभी अभी थोड़ी देर पहले टूटा है। और ये है प्रिंस, हाय बोलो। हाय। इसका इसका भी और इसका भी एक दांत टूटा है। मेरे सिस्टर इन लोग की सन है प्रिंस। क्लास आपका क्लास कितना है, कौन से क्लास में पढ़ते हो? स्टैंडर्ड टू में। तो ये लोग आए हैं हमारे घर घूमने आए हैं, मतलब सिस्टर इन लोग की तबीयत थोड़ा खराब है। आपके मम्मी भी आए। मम्मी भी आए हैं। मम्मी कहाँ गए? उधर है। ठीक है, मैं आप सबको बाद में मिलाऊंगी मेरे सिस्टर इन लोग से। तो अभी टाइम है थोड़ा खाना बनाने का, और देख लो ये दोनों शैतान बच्चे हर टाइम बदमाशी बदमाशी और बदमाशी। आप बदमाशी करते हो आदि? नहीं तो फिर कौन करता है, दिन भर भाग दौड़ कौन करा? ज्यादा बदमाशी ये छोटा वाला, ये छोटा वाला शैतान का बच्चा है, शैतान का बच्चा छोटा वाला। एक दिन मैं खुद शैतान बन के आपको खा जाऊंगा। ठीक है, तो अभी जा रही हूँ खाना बनाने और मिलती हूँ मैं आपको बाद में।